फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारा सेगांव का जो ट्रिप है उसका पार्ट टू है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो आप उसका वीडियो देख सकते हैं। हम लोग सेगांव, जो कि महाराष्ट्र में मुंबई से 10 आवर्स की जर्नी पर है, वहाँ पे पिकनिक के लिए गए थे। और ये इसका पार्ट टू है, जहाँ पे आनंद विहार, जहाँ पे हम रुके हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कितना ही क्लीन है, और यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए और आपके घूमने के लिए और एक फैमिली पर्पस के हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और एक क्लीन एनवायरनमेंट जो आपको मुंबई में नहीं मिलेगा, और पीसफुल एनवायरनमेंट जो मुंबई में नहीं है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। 2-3 दिन आपको वहाँ पर पूरा पीस और इतना वंडरफुल एनवायरनमेंट मिलेगा, जिससे आपको मन को शांति मिलेगी। और आप जाइए और देखिए ये कॉम्प्लेक्स कितना ग्रीन है। यहाँ पे हर जगह पेड़ लगे हुए हैं, और यहाँ के जो वर्कर हैं वो इतना साफ सफाई यहाँ रखते हैं कि आपका दिल खुश हो जाएगा। आनंद विहार कॉम्प्लेक्स जहाँ पे हम रुके हुए हैं, वहाँ से हर कुछ समय बाद बस फैसिलिटी है जो आपको गजानन महाराज मंदिर ले जाएगी। ये बस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये बस भक्त निवास, जो कि इनका अनदर कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे भी जाती है। वहाँ से कुछ लोगों को पिक करती है, और फिर रेलवे स्टेशन होती हुई गजानन महाराज मंदिर जाती है। तो अगर आप रेलवे स्टेशन भी जाना चाहते हैं तो आप इस बस फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। हम लोगों ने ये बस ली और हम लोग फिर गजानन महाराज मंदिर पहुँचे। आनंद विहार से गजानन महाराज का मंदिर 6-7 किलोमीटर है, तो क्योंकि ये बस बाकी जगह रुकती हुई जाती है तो आपको हाफ एन आवर लग जाएगा वहाँ तक पहुँचने में।
हम लोगों को बस ने गजानन महाराज के मंदिर के कुछ पहले दूरी पहले ही छोड़ दिया। वहाँ से आपको 10 या 15 मिनट का वॉक करना पड़ेगा। ये आप लोकल मार्केट व्यू देख सकते हैं नाइट का। और मंदिर में अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, और इसलिए अंदर का फोटो हम आपको मंदिर का नहीं दिखा पाएंगे। बट ये इसका बाहर का व्यू है, इस तरह से मंदिर दिखता है नाइट में। डे टू को हम लोग नागजरी टेम्पल के लिए मूव हुए। नागजरी टेम्पल स्वामी गजानन महाराज के जो गुरु हैं उनके लिए बनाया गया था, और ये टेम्पल भी गजानन मंदिर की तरह बहुत ही साफ स्वच्छ और अच्छा है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ये टेम्पल भी ज़रूर देखने जाएं जब आप शेगांव जाएं। ऐसा लोगों की मान्यता है कि अगर आप इस टेम्पल को नहीं देखते तो आपका दर्शन जो गजानन महाराज मंदिर का है वो अधूरा रह जाता है। ये मंदिर आनंद विहार जो हमारा कॉम्प्लेक्स था वहाँ से 7 to 8 किलोमीटर था, तो हमने एक ऑटो किया। और क्योंकि शेगांव में ऑटो बहुत ही चीप है तो आपको 100 रुपीज़ में ऑटो मिल जाएगा जो आपको सेम रिटर्न भी लाएगा, तो आपको इतना कुछ टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। और जब आप आनंद विहार से नागजरी टेम्पल के लिए जाएंगे तो जो रोड है वो बिल्कुल फार्म के बीच में से जाती है, तो आपको चारों तरफ ग्रीनरी देखने मिलेगा और बहुत अच्छे अच्छे लोकेशन और आपको व्यू दिखाई देंगे जहाँ पे आप पिक्चर भी क्लिक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने गजानन महाराज और नागजरी टेम्पल ये दोनों मंदिर के दर्शन किए। आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और एक बार गजानन महाराज के दर्शन के लिए ज़रूर जाएं और बताएं मुझे अपना एक्सपीरियंस कैसे रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।